खबर उधम सिंह नगर के खड़ीमा से, जहां संयुक्त राज्य आंदोलनकारी मंच के आंदोलनकारियों ने अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को खड़ीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से उत्तराखंड मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। इससे पूर्व राज्य आंदोलनकारियों की कई मांगों को पूरा करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ज्ञापन में आभार व्यक्त किया गया है। वहीं सौंपे गए ज्ञापन में संयुक्त राज्य आंदोलनकारियों ने मंच के माध्यम से अपनी 3 प्रमुख मांगों 10% 36 आरक्षण बहाल करने, सम्मानजनक पेंशन देने के साथ ही लोकतंत्र सेनानियों की तर्ज पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी राज्य निर्माण में सेनानी का दर्जा दिए जाने तथा वास्तविक वंचित आंदोलनकारियों को चिन्हित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई है। वहीं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी प्रकाश तिवारी तथा भगवान जोशी ने भी उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आंदोलनकारियों की 3 मांगों को जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। किया गया है जिसमें हमारे मुख्य 3 मांगे हैं। सर्वप्रथम ये है कि 10% जो क्षैतिज आरक्षण है उसको अविलंब जो है विधानसभा में पास किया जाए और 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ जो है आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिले। नंबर 2, जो सम्मान निधि आंदोलनकारी को मिलती है ये सम्मान निधि बढ़ाई जाए। और नंबर 3 जो मुद्दा है वो हमारे कई साथी अभी चिन्हीकरण के लिए रह गए हैं, अति शीघ्र उनका चिन्हीकरण का कार्य शुरू हो जाए। और हमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से पूरी उम्मीद है, वो आंदोलनकारियों के प्रति अति संवेदनशील हैं, क्योंकि खटीमा में देखिए इतना बड़ा आंदोलन स्थल, ये शहीदी स्थल उनने बनाया और पिछले बार सम्मान निधि बढ़ाने की बात की वो भी उन्होंने बढ़ाई, अति संवेदनशील है। हमें पूरी उम्मीद है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि हमारी मांगों को। सबसे बड़ी समस्या ये है, 1-1.5 हजार लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, कोर्ट की तलवार उन पर लटकी हुई है, 250 लोग जिनकी नियुक्तियां होनी है उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही है, नया नौकरी का कैलेंडर जारी होने जा रहा है, वहां पर अगर आरक्षण नहीं मिला तो जो 12,000 परिवार है वो इससे वंचित हो जाएंगे। तो हमारी मुख्यमंत्री से जो डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके जो आपने कैबिनेट में बिल पास किया है उस बिल को हाउस में प्रोड्यूस करके राजभवन भिजवाया जाए और उसको कानून का रूप देकर के जो लोग इस आंदोलन में समर्पित थे उनका चिन्हीकरण तो हुआ, उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनका वेलफेयर जा रहा है, उनके जो किथिन किन्हीं रिश्तेदार हैं जो भी हैं वो आज चौराहे पर खड़े हैं, बाहर के लोगों को यहाँ ठूस ठूस करके नौकरियां तमाम सरकारों ने दी हैं, लेकिन धामी जी ने जो ध्यान दिया कि राजभवन से बिल वापस मंगाया उनका धन्यवाद तो हम करते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि वो फिर जिन बाहर निकाला फिर जिन बोतल में चला गया, अब उसको और बाहर निकाल करके हाउस से उसको बिल का रूप दिया जाए। और चिन्हीकरण के मामले पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन्होंने आयोग का गठन नहीं किया, परिषद का गठन करके परिषद वालों को लाल बत्ती देकर खाली उत्तराखंड के राउंड करा दिए गए। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि उसके साथ साथ कि भाई चिन्हीकरण में गलफत हो रही है, आज भी बहुत बड़े अच्छे सफर लोग जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है, जो गांव-गांव में घायल हुए थे, छर्रे लगे थे, बुलेट लगी थी, हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाए, सरकारी हॉस्पिटल में उनका रिकॉर्ड नहीं है, उनका चिन्हीकरण हो, जो गांव-गांव से लोग वहां से अपना कॉल देते थे और गांव से लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाते थे, सक्रियता भूमिका निभाते थे, उनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है, इसलिए चिन्हीकरण का दरवाजा फिर खुलना चाहिए। जो खटीमा के अंदर ऐसे 253 लोग उनमें से 48 लोग कोर्ट गए हैं, जो कोर्ट भी मान रही है, जो डीएम साहब भी मान रहे हैं, जो सीएम साहब भी मान रहे हैं, उनका भी चिन्हीकरण रुका हुआ है, इसलिए हमारी संपूर्ण मांगों पर विचार करते हुए आज 22 तारीख को पूरे प्रदेश से एक साथ ज्ञापन जा रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारा फिर आएगा और अगर ये नहीं हुआ तो 4 तारीख को कैबिनेट है, हो सकता है कैबिनेट से बाहर हम अपनी बात को रखें, सारे प्रोग्राम जो भी आपके पास आएंगे हम आपसे